In the name of Allah, I am going to deliver social studies lecture for class 7. And assalamu alaikum dear students, you know that we are reading the third book, that is our environment book of the social studies subject, and we are reading today air, and today's our topic is weather and the climate. Before I will discuss this weather, I will talk about you, I will remind you the atmosphere. The atmosphere is a blanket of air which surrounds our earth. And before this atmosphere, air is a mixture of gases. This means that the mixture of gases, blanket of mixture of gases which surrounds our earth is called atmosphere. So, seedhi si baat hai, jo hawa ka ye kurra hai, हमारी जमीन को जो घेरता हुआ चारों तरफ जिसने हमारी जमीन को घेर रखा है इसको कुरा हवा कहते हैं, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, फिजाई मुतगैरा कहते हैं। तो जो भी डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर होगी, डे टू डे कंडीशन यानी ये तो बदलती रहती है, एटमॉस्फेयर की जो एक कंडीशन है, शराइत है, ये बदलती रहती है। ये एक घंटे में एक कंडीशन होती है, दूसरे घंटे में दूसरी कंडीशन होती है, कभी धूप होती है, कभी छाऊं होती है, एक घंटे में धूप निकलती है तो दूसरे घंटे में छाऊं होती है, तो तीसरे घंटे में बादल आते हैं, तो चौथे घंटे में बारिश या बर्फबारी या ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इन हालात को मजमूई तौर पर इन शराइत को हम वेदर कहते हैं, इन शराइत को हम वेदर कहते हैं। मीन्स डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस, तो इसको हम वेदर कहते हैं। इसी तरह से वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब हम कहीं पे किसी जगह, किसी मखसूस जगह पे उस जगह का वेदर देखते हैं बहुत देर तक, तो काफी समय तक, काफी वक्त तक, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट कैन बी चेंजड, ये मुख्तलिफ होते हैं, इट कैन बी चेंजड फ्रॉम सीजन टू सीजन। एक मौसम में एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है तो दूसरे मौसम में दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तभी हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन द ईयर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरी प्लेसेस ऑफ ईयर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू डिफरेंट सीजन। इफ आई कैन से ब्रॉडली, आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन there are four seasons in our Kashmir. If I talk about our Kashmir, on the basis of climatic conditions, seasons of the Kashmir has been divided into four seasons: spring, summer, autumn and winter. These are the prevailing conditions of prevailing climatic conditions for a long time, means the one season. अब हम आप इस पे आते हैं, ये पेज नंबर आपका, आपकी किताब में जो पेज नंबर है 23 है, वेदर एंड क्लाइमेट। पहले मैं इसको पढूं तो ताकि अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। इज इट गोइंग टू रेन टुडे, जब हम कहीं पे जाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि कहीं कोई रेन मत होने वाली है, तो विल इट बी ब्राइट एंड सनी, या आजकल धूप होगी या आसमान खुला होगा। हाउ मेनी टाइम्स have we heard this from anxious cricketers fans speculating the fate of a one day match, jo hum jab tv dekhte hain to is cricket ke mausam mein jab zyada tar is match khelne ka ye hota hai, international one day matches hote hain duniya bhar mein chalte hain, to us waqt hum dekhte hain commentators ye zyada inhi baaton pe tawajjuh dete hain, ya yahi baatein zyada humko sunne mein milti aati hai ya sunne ko milti hai ki weather conditions kya hogi, aajkal weather conditions kya hogi, wo climatic conditions nahi kehte hain balki kehte hain weather kaisa hoga, ya wo commentator wahan pe kehta hai ki weather ki conditions kya hai, weather kya hai, weather theek hoga, ओले गिरने होंगे, ये बारिश होगी या ये होगा, क्लाउडी होगा, सनी होगा।
If we imagine our body to be a radio, अगर हम अपने जिस्म को एक रेडियो तस्वर करेंगे and the mind it is speaker, और दिमाग हमारी इस बॉडी का दिमाग इसको हम स्पीकर कहेंगे तस्वर करेंगे whether is something that the fielders that the fiddlers with its control knobs, तो हम कहेंगे जो ये वेदर है इसको हम कहते हैं ये कंट्रोल है उन नाबों का उन जो इसमें नॉब्स लगे होते हैं उनका ये कंट्रोल है वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर की जो हर घंटे में हालत बदलती रहती है हर घंटे के बाद जो एटमॉस्फेयर की हालत बदलती रहती है चेंजेबल होती है चेंज होती है तो उसको हम वेदर कहते हैं हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल जब कभी हमें हॉट वेदर ये बर्दाश्त करने को मिलता है हम जब हॉट वेदर महसूस करते हैं तो दैट इज इरिटेबल हमें बिल्कुल उसे जलन सी महसूस हो जाती है प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मे मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान टू एन आउटिंग जब हमें खुशगवार ये इस मौसम जब हमें खुशगवार मौसम मिलता है आबोहवा मिलती है तो हमें हमारा दिल चाहता है कि हम बाहर जाएं घूमने के लिए इस तरह से ये वेदर है हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया है इसको क्लाइमेट कहते हैं जब बहुत देर तक किसी जगह का वेदर जब हम ये करते हैं रीड करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट तो इसको हम कहते हैं जो डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफियर होगी तो इसको हम कहते हैं वेदर जिस तरह से मैंने आपको ये कह भी दिया है Now, do you understand why we have daily weather forecasts? इस तरह से आपको पता ही चला है या आपको मालूम पड़ गया है कि हम ये day to day weather conditions forecasts पे क्यों ध्यान देते हैं ताकि हम अपने काम काज के लिए जब हम जो हमें काम करना होता है जो हमें प्लान बनाना होता है तो हम पहले ये weather conditions देखते हैं weather कैसा है इसके बाद आता है temperature जो है temperature कहते हैं दर्जे हरारत को यानी इस चीज में या इस एटमॉस्फेयर में कितनी हॉटनेस है द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेम्परेचर जिस तरह से हम किसी चीज का अगर किसी चीज की तपिश हम गर्मी उसमें ज्यादा देते हैं तो हम कहते हैं इसका टेम्परेचर ज्यादा है जब इसको हम ठंडी उसको हम ठंड देखते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट पे देखते हैं तो हम कहते हैं कि क्लाउड ये कोल्ड है इसकी टेम्परेचर डाउन है द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज द टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन एक मौसम से दूसरे मौसम तक ये बदलता रहता है समर्स आर हॉट देन विंटर्स An important factor that influences the distribution of temperature is insulation. Insulation कहते हैं गर्मी को. Insulation is the coming solar energy interrupted by the earth. जो सूर्य से हमें गर्मी हासिल होती है, तो जो सूर्य से गर्मी आती है, तो इसको ज़मीन जज़ब करती है. तो उसको हम कहते हैं insulation. The amount of insulation decreases from the equator towards the poles. Equator में insulation ज़्यादा होती है, hotness ज़्यादा होती है, जबकि कुतबेन north poles और south poles में ये कम होती है. क्योंकि ये क्या वजह है? इसे पहले भी बता चुके हैं हम. क्योंकि equator पे जो sun's rays है, वो directly fall करती है, जबकि north pole और south pole they are slanting. They are falling on the slant direction. वो तिरछी वहाँ पे पड़ती है. इस तरह से वहाँ कम temperature होता है, जबकि equator में ज़्यादा. Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why poles are covered with snow? सीधी सी बात है. पोल्स इसलिए स्नो से कवर्ड है क्योंकि वो वहाँ टेम्परेचर कम है, वहाँ स्लैंटिंग रेज पड़ती है सूरज की, जबकि इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ती है. इट इज द अर्थस टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम इफ द अर्थस टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर
for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metal in buildings and the stalls of roads get heated up during the day. The heat is released during the night. The concrete and the metals in buildings and the stalls of roads get heated up during the day. The heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus rise in the temperature of the cities. इस तरह से हमने temperature, weather और climate आज discuss किया है. इंशाल्लाह कल हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं. आज इतना ही. It is enough for today. Goodbye. May God bless you. Stay home. Stay safe. Thank you.